गुड मॉर्निंग, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए इतना डिप्रेसिंग। गुड मॉर्निंग, ओ माय गॉड, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं है या मॉर्निंग जल्दी निकल गए थे हम लोग शो के लिए, या स्किन का शो है, दैट इज द रीजन हम लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है। कितने एक्साइटेड है हम लोग, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं शो कैसे स्टार्ट करूंगी। तो फिर हम एक वार्म गुड मॉर्निंग पूरे प्रोफेशनल ब्यूटी को देते हैं एंड मुंबई को। ओके, गुड मॉर्निंग, यस लाइक दैट। मुझे हमेशा लगता है और लोगों का मानना ये है कि स्किन इज अ वेरी बोरिंग टॉपिक है, आई यू एग्री? पर मुझे लगता है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चाहे हम मेकअप शुरू करें या कुछ भी करें, उसके लिए बेस अच्छा होना चाहिए। एम आई राइट? ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन। मेरे लिए स्किन का कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि गोरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, यानी फेयर पिगमेंट्स अच्छे होते हैं, नो, स्किन शुड बी हेल्दी। एम आई राइट? अदरवाइज बीमार है स्किन, ठीक है ना? तो हम लोग आज हेल्दी स्किन के बारे में बात करने वाले हैं। हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे। जैसे कि मैं कियाना के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। व्हाट इज कियाना एंड व्हाट वी हैव वेरी स्पेशल इन द ट्रीटमेंट्स? वी हैव अ स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट एंड इट इज़ 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट। तो देर इज नो केमिकल। मे बी यू विल सी वेरी स्लो रिजल्ट्स, but it's a permanent. You will not say, in this treatment, what is beauty about it, you aapka client jo hai never feel itching, rashes, kisi bhi tarah ka reaction uski skin pe nahi hota hai, because it's a 100% botanical, koi chemical add nahi hai. Preservative bhi 0.02% mein hai, so it's very minimum, jitna hum logo ko require, because hum bahut jaldi jaldi apne products change nahi kar sakte. तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और इन वन सिटिंग आप हमेशा देखना कि हम क्लाइंट को डेफिनेटली व्हाइटनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा व्हाइटनिंग नहीं दे पाएंगे, बट डेफिनेटली इफ़ यू विल सी कि स्किन को हम एक यंग लुक देते जाएंगे, डेफिनेटली हम इतना क्लीन अप करेंगे, पीलिंग करेंगे, स्किन को क्लीन करेंगे, तो आपको एक स्किन हेल्दी तो नज़र आएगी ही। बट अगर हम बात करें स्किन के हेल्दी होने की, कि स्किन का स्ट्रक्चर कितना यंग हुआ है, तो आप वो बहुत अच्छा देख सकते हो। एंड इन ए वन, अलग आप अपने क्लाइंट को अगर मिनिमम 10 सेटिंग्स विथ फॉलो अप के साथ देंगे, तो आप देख सकते हो एक डेकेड ईयर यंगर लुक, एक मिनिमम 10 ईयर यंग लुक, सिर्फ फेस में, नॉट फिगर में। ओके, इट्स जोक अबाउट। एंड वी हैव अ स्टेम सेल ट्रीटमेंट। वी टुक स्टेम सेल्स फ्रॉम हाइड्रोलाइज्ड पी, मटर का दाना। ऑल ओवर वर्ल्ड टू स्टेम सेल्स आर वेरी सक्सेसफुल, ग्रीन एप्पल एंड ग्रीन पीस। We took from green peas. And stem cells का अपना एक property होता है regenerate करने का, सबको पता है। Stem cells एक ऐसे cells हैं जो अपने आप को regenerate कर सकता है। अभी भी इस बारे में लोगों के बहुत discussions हैं, doctors बहुत discussions में हैं कि एक दूसरा stem cells हमारी body के अंदर stem cells को कैसे activate कर सकता है। But it's stem cells, sometime it activates your collagen and elastin. That is the reason you get young look. वेरी सिंपल स्टोरी। हाँ, फॉर व्हाइटनिंग, फॉर एक्ने, फॉर ओपन पोर्स, फॉर ऑयली स्किन, वी ऐड सम एम्प्यूल्स इन दिस ट्रीटमेंट। वी हैव वन मोर प्लस पॉइंट। एक बात हम लोगों को सबको माननी होगी, हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री में जो स्टाफ है इज़ नॉट मच एजुकेट, है ना, बहुत एजुकेट नहीं है वो, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा सकते, और समझाने के अलावा हम उनके ऊपर स्किन नहीं छोड़ सकते। आप देखो, आज हम क्लाइंट की स्किन दिखती ऑयली है और सडनली ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है, और ड्राई दिखने वाली स्किन ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनको स्किन स्ट्रक्चर्स नहीं पता, दे नो हाउ टू मसाज इट। और मैं अपने क्लाइंट के सामने उनको ये नहीं बोल सकती, मैं बता के आती हूँ, तो दे विल ऑलवेज से कि आपको उन पर भरोसा नहीं है और उनके भरोसे आपने मेरी स्किन छोड़ दी है। तो हमें उनको ऊपर भी विश्वास दिखाना है। और जो ट्रीटमेंट कियाना ने डिज़ाइन किया है, वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप किसी की भी स्किन पर वो ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसका मेन पर्पस आपकी स्किन में वाटर एंड ऑयल को बैलेंस करना है, यानी यू विल गेट हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन का फॉर्मूला इज विद वन, वाटर एंड ऑयल, दैट्स इट। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि अगर आपको कभी अपना सलोन ब्यूटिशियंस पे छोड़कर जाना है, तो आप सेफली जा सकते हो। सिर्फ आपको एम्प्यूल्स चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्किन। लाइक इफ यू हैव अ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग मेलानिन, जैसे लाइक सनबर्न, टैनिंग, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, तो वी विल यूज वन एम्प्यूल नेम स्नो केयर, व्हाइटनिंग के लिए। देन सेकेंड, वी हैव अ ट्रबल केयर।
for acne, open pores, oily skin and sensitive skin. Third, lifting care for age से related, कोई भी आपका अगर problem है तो lifting care. Otherwise, everything is the same और आप इस treatment में multiple correction कर सकते हो. यानी it's called luxurious treatment, because if in a one sitting मैं आपको rejuvenate भी कर सकती हूँ, I can give you a little bit lightening treatment also, if you have a sensitive skin तो मैं उसका भी treatment कर सकती हूँ, तो और under eye भी है तो उसका भी treatment कर रहे हैं, तो that is the meaning. आप एक sitting में client को multiple corrections दे रहे हैं, that is a plus point in this treatment. मुझे अपना model हमारे crowd में से ही चाहिए, तो मेरे पास कुछ हैंड्स हम लोग रेज करेंगे. अभी तो पॉलिटिक्स का बहुत जोर है, अभी हमारे PMG चेंज हुए हैं, तो आज हम थोड़ी वोटिंग अगेन करेंगे. भूल गए होंगे ना सब वोटिंग करना, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग डेमो के लिए इंटरेस्टेड हैं. मुझे कोई एक ऐसी स्किन चाहिए जहाँ आप लोग पिगमेंटेशन भी हो, हल्का सा रिजुविनेशन का भी प्रॉब्लम हो और एनी अदर प्रॉब्लम स्किन, मतलब प्रॉब्लमेटिक स्किन आई लव टू हैंडल. या वन, एनी अदर, टू, थ्री. Come, come, come on the stage fast. Fast, fast, fast. हमारे पास बहुत जल्दी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम क्विक क्विक करेंगे. What's your good name? अर्चना. अर्चना. अर्चना जी की मैं स्किन पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए. प्लीज फर्स्ट, इनको अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, स्किन ऑयली भी है हल्की सी, जिसके कारण एक्ने स्कार्स भी रहते हैं, बट स्किन डिहाइड्रेट है. मॉइस्चर में और डिहाइड्रेशन में फर्क है, ठीक है ना. इनकी स्किन डिहाइड्रेट है, जिसके कारण आप देखो स्किन पर रिंगल्स भी नजर आ रहे हैं ऑयली स्किन के बावजूद भी, ठीक है. ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? वीना जी. वीना जी की स्किन में डेफिनेटली फ्रिकल्स हैं अंदर, ओपन पोर्स में पिगमेंटेशन प्रॉपर फिल हुई है बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन, इनका एप्लीकेशन नहीं है और वाटर बहुत कम पीती हैं मैम ये हमारी, तो जो स्किन पर मुझे साफ साफ देखने के लिए नजर आ रहा है, स्किन इज लाइक अ मिरर. And otherwise skin is healthy, no doubt about it. But हाँ, pigmentation forehead पे भी मतलब आ गई है, तो आप ये समझ लो कि pigmentation ने अपनी first stage cross कर ली है. First stage पर normally pigmentation सिर्फ cheeks bone पे रहती है, second पे forehead and third पे nose part. That is a final stage for the pigmentation. And what's your good name? सरिता. सरिता जी को tanning तो बहुत ज़्यादा है, skin टैन के कारण ड्राई हो गई है, बिकॉज स्किन जब बर्न हो जाती है तो ड्राई हो जाती है ना, झुलस जाती है, इट्स लाइक दैट ओनली. और ये इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बाय बर्थ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या कॉम्प्लेक्शन वी कैन नॉट चेंज, सिर्फ हम कॉम्प्लेक्शन को लाइट कर सकते हैं. ओके, बैकग्राउंड में आप जितना मर्जी व्हाइट मिला लो, वो बनेगा ब्राउन का ही कलर, इट्स मे बी इट्स लाइट ब्राउन. ओके, विपाशा करीना नहीं बनी और हम लोग भी नहीं बनेंगे. ओके, तो वी कैन गिव द लाइटनिंग एंड व्हाट्स योर नेम? अच्छा, इनका हो गया, आपका रह गया. या शी हैज अ सेंसिटिव स्किन, प्योर सेंसिटिव स्किन, एंड डेफिनेटली ऑयल में ओपन पोर्स हैं इनको, बट स्किन एजिंग के कारण ड्राई है एंड शी हैज अ रिंकल्स आल्सो. ठीक है, अब हम लोग वोटिंग शुरू करते हैं. सबसे पहले कम, इनको कितने लोग चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करें? एक बंदा एक ही बार वोट कर सकता है, याद रखना. इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर बार अगर हाथ उठा दे तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना. तो अर्चना जी देखा कितने सारे हाथ नीचे हो गए, अभी सब वोटिंग करने वाले थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओ दैट्स ग्रेट, ग्रेट नंबर. व्हाट्स योर नेम? सरिता. सरिता जी के लिए, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, चार नंबर से नीचे हैं. एंड फॉर हर, 2 3, डबल वोटिंग नो अलाउड, 2 नो. एंड फॉर हर, 1 2 3, डबल वोटिंग अगेन, बैक साइड चीटिंग. ओके, तो हम अर्चना जी के साथ जाते हैं. थैंक यू कमिंग ऑन द स्टेज, थैंक यू वेरी मच अर्चना जी. प्लीज, दिस इज अ वेरी शॉर्ट ट्रीटमेंट जो हम लोग दिखाने वाले हैं, वी विल नॉट टेक मच टाइम. एंड इसमें सबसे बड़ा, हम लोग आपको मसाज नहीं दिखाएंगे, तो आप उसमें मसाज भी ऐड कर सकते हैं. हम लोग आपको एक वाइटनिंग स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं, इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट, तो जिसमें हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे एंड वी विल रिमूव इट, दैट्स इट. हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का मसाज नहीं करेंगे, बट वी हैव क्रीम, अगर आप उसकी मसाज करना चाहते हैं तो आप उसकी मसाज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टाइम हम लोग मसाज नहीं करेंगे. ओके, कनिका वो थोड़ा बैक अप करना होगा आपको, थोड़ा और नीचे आइए, उठा देना एक बार बस.
कैमरा प्लीज और थोड़ा ऊपर करें क्या, बस एवरीबडी कैन सी दैट। और मुझे कैमरे को मैन को बोला ऊपर, नो देख रहा है सबको, इज इट कंफर्टेबल? और उसके बाद हम लाइव देखने वाले हैं। हाँ ओके ओके, सबसे पहला प्रोडक्ट जो कनिका हमारे लिए यूज करेंगी दैट इज एक्वा क्लेंजिंग जेल। प्लीज आप अपना कैमरा ले लीजिए एंड तो जब तक वो सैलून पहुंचते हैं उनकी स्किन पहले से ज्यादा डैमेज हो गई होती है, और उसके बाद हम कोई भी क्लेंजर लगाएं उनको ईचिंग होगी बिकॉज स्किन डैमेज है, ओपन स्किन, घाव वाली स्किन है, अगर मैं उस पर कुछ भी लगाऊंगी तो वो हील नहीं होगा। तो हमारा जो क्लेंजर है वो विद हीलिंग एजेंट्स है, दैट इज द रीजन क्लाइंट को ईचिंग सेंसेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। आप किसी के ऊपर भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी 16 से लेकर 80-85 जितने भी क्लाइंट कराते हैं आप उनको ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका जो मेन जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सेंटीलिया एशाटी का एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन में हीलिंग करता है, आपको अर्बिटिन हो गया, वाइटनिंग भी देगा, रिजुवनेशन भी देगा, दैट इज अ वेरी गुड क्लेंजर जो आप घर पर भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट का जब हम क्लेंजर करते हैं तो हमें एक क्लाइंट को प्रिकॉशन देनी है कि इस दौरान उसको अपनी आईज नहीं खोलनी है। क्लेंजर आप आईज के ऊपर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुड नॉट गो इनसाइड द आई। ओके अर्चना जी, कंफर्टेबल है ना आपको? सबसे आज तक मैं पिछले 3 इयर्स में पता नहीं कितने डेमोन्स्ट्रेशन कर चुकी होंगी और कितने सैलॉन्स हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, दे सेड वन थिंग इज 100% श्योर अबाउट कियाना, कि आप किसी भी स्किन को देखने के बाद कियाना कर सकते हो, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि हमें इसको कियाना करना है, नहीं करना है, क्या करना है। अगर कुछ भी समझना है तो सिर्फ कियाना ही करना है, उनका ये पेटेंट लाइन है कि अगर आपको क्लाइंट की स्किन समझ नहीं आए ना तो ऑलवेज सेट कियाना कर दो, वो तो 100% सूट करेगा उसको। तो इट इज अ वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। ओके या इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, या इट इज अ जेल फॉर्म, बट देयर इज अ मॉइस्चर, फॉर मॉइस्चर वी हैव इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड, तो या Yeah, that's not the problem. But it should not go inside the eye. Otherwise, you can remove the makeup also with this cleanser because it is a deep cleanser. And it's a plus points. क्या है? Sometimes क्यों? मैं उनमें से एक हूँ, मुझे sunscreen लगाना अच्छा नहीं लगता. Because सुबह सुबह अगर मैंने makeup कर लिया है sunscreen लगा कर, तो मैं day timing में every 2 hours I can't remove my makeup and I can't do again makeup. But this cleanser से अगर आप evening में wash कर लो तो जो पूरे दिन का टैनिंग आपको सन ने डैमेज किया है वो टैन नहीं बनने देता है, वो हील कर देता है। बिकॉज एवरीबडी नोज कि टैनिंग को बनने में टाइम लगता है, सबको पता है सन अगर हमें आज डैमेज करता है तो आप सेम डे मार्किंग नहीं देखते हो, तभी तो बीचेस पर थोड़ी ना याद आता है कि हमें स्किन टैन हो गई, घर पर जाने के बाद अफसोस होता है कि हम बीच पर क्यों गए थे, बिकॉज हम लोगों को टैनिंग नजर आती है। तो अगर हम शाम को इस क्लेंजर से वॉश कर लेते हैं तो आपको वो टैनिंग नहीं पेनिट्रेट होगी उसके बाद, बट यू शुड अप्लाई टोनर एंड सीरम बिकॉज टोनर को पोर्स मिनिमाइज करने के लिए एंड सिरम उसको हील करने के लिए, इज अ डीप क्लेंजर, दैट इज द रीजन। ओके नाउ वी आर यूजिंग डबल पीलिंग जेल। डबल पीलिंग नाम से पता चल रहा है उसका कोई ना कोई ड्यूअल एक्शन जरूर होगा, डबल पीलिंग यानी एक्सफोलिएशन तो करेगा ही करेगा, साथ में आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को भी बैलेंस करेगा। अच्छा कितने लोग अपने अपने यहाँ पील करते हैं? करते हैं तो पीलिंग हम ड्राई स्किन पे कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हैं क्या? तो फिर हम अपने आप पील रखते क्यों हैं? क्या हेल्दी स्किन हमारे सैलॉन्स में ट्रीटमेंट के लिए आती है? टेल मी द क्वेश्चन आंसर, नो। तो व्हाई वी नीड अ बट इफ आई टॉक अबाउट द पील्स, तो डेफिनेटली हमारे पास एक प्रिकॉशंस है, वी कांट गो फॉर अ ड्राई स्किन, वी कांट गो फॉर अ सेंसिटिव स्किन, बट ये पील आप हर किसी की स्किन पे कर सकते हो, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज नो केमिकल वैल्यू इज इन दिस पील। एंड इस पील को आपको लगाकर छोड़ना है, इट्स इन जेल फॉर्म, इसमें कोई ग्रैन्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आप स्किन के ऊपर 1 मिनट के लिए एप्लीकेशन करके लिव इट एंड देन आफ्टर 1 मिनट व्हेन यू विल मसाज then you can feel the granule and just massage for 2 minutes and clean it.
अंडर आई के नीचे हम लोग इस पील को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, वेरी वेरी थिन स्किन, तो हम उसको पील नहीं कर सकते. दैट इज द रीजन अंडर आई को छोड़कर हम पील लगाएंगे. या प्लीज, या इंग्रेडिएंट्स पपाया एक्सट्रैक्ट, होलिनिक एसिड एंड पोर्तुली का ऑलरिका एक्सट्रैक्ट. बिकॉज ही जब भी हम पील्स करते हैं यू ऑलवेज सी कि पीलिंग के बाद स्किन में रैशेज हो जाते हैं, तो हमें रैशेज को हील करने के लिए कोई एजेंट जरूर चाहिए. दैट इज द रीजन इस पीलिंग में क्लाइंट कभी भी कोई ईचिंग कोई सेंसेशन फील नहीं करता. और आप यंग स्किन को भी कर सकते हो, सिर्फ टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मैंने 1 मिनट छोड़ा, अगर मेरी बहुत यंग स्किन है तो मे बी आई लीव ओनली 1/2 मिनट. और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चीक्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे चीक्स पे बहुत टाइम नहीं चाहिए. विल एंड फ्रॉम द लाइक फॉरहेड, जिससे फॉरहेड पे सबसे ज़्यादा टैन रहता है, तो आप वहाँ तक पहुँच. लेकिन अगर ये निकलता जा रहा है तो दैट डजंट मीन कि हम उसको 3-4 मिनट तक मसाज करते रहेंगे. जस्ट 2 मिनट्स एंड देन फिनिश. ओके, तो पील टाइम टोटल जो है हमारे पास वो 5 मिनट्स का है. 1 मिनट एप्लीकेशन, 1 मिनट लीविंग टाइम, 2 मिनट मसाजिंग टाइम एंड 1 मिनट इज क्लीनिंग टाइम. ओके, इट्स कम्फर्टेबल अर्चना जी? Okay. हम लोग जैसे स्क्रब में अंडर आई के नीचे कई बार आप लोगों के हाथ चले जाते हैं, बट पीलिंग में बी श्योर कि आपके हाथ अंडर आई के नीचे नहीं आने चाहिए. पीलिंग के बाद हम इस अच्छे से इसे वाटर से क्लीन करेंगे. पीलिंग के बाद आप क्लाइंट की स्किन बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम सारी चीजें क्लाइंट की स्किन में पेनिट्रेट कराने वाले हैं. कंफर्टेबल था सब अर्चना जी आपके लिए? पीलिंग सबसे आप जब क्लेंजिंग, पीलिंग और टोनिंग के बाद मैं आपको एक बार स्किन ज़रूर दिखाऊंगी एंड यू विल सी कि हम अगर किसी एक सिर्फ अपने यहाँ क्लीनअप प्रोसेस लॉन्च करें तो व्हाट वी कैन गिव टू द क्लाइंट. नाउ वी आर अप्लाइंग स्टेम सेल स्किन, जो पीलिंग का न्यूट्रलाइजर भी है और आपका टोनर भी है, तो पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा. अब यहाँ पर एक आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम स्टीम कब देंगे. अगर मैंने टोनर लगा दिया, पोर्स मिनिमाइज कर दिए, तो नाउ हम लोग स्टीम्स कब देंगे? अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू सम और इंटरनेशनल थिंग्स कि हमें स्टीम्स नहीं देना चाहिए. बट अगर आप देना चाहते हैं तो हम क्रीम मसाज के बाद देंगे. पील्स के बाद स्किन ओपन रहती है, वी कांट गिव दैट. ओके, तो पोर्स हम जो ब्लैक हेड एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी इस समय नहीं करेंगे, हम क्रीम मसाज के बाद ब्लैक हेड एक्सट्रैक्ट करेंगे. ओके ओके, नाउ वी हैव टू चूज 1 ampoule. And we have already, I told you कि we have 3 trays. यहाँ तक का प्रोसीजर सबके लिए सेम है. Either we have oily skin, dry skin, normal skin, whatever kind of skin. तो यहाँ पर हम लोगों को choose करना है. इनके लिए मैं अभी स्नो केयर यूज़ कर रही हूँ. शी हैज़ अ ऑयली स्किन बट अभी एक्ने एक्टिव नहीं है, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रबल केयर यूज़ करने की. तो आई एम यूजिंग अ स्नो केयर ampoule. मैं इतने स्नो केयर ampoule के बारे में बताती हूँ आपका निकलूँ. स्नो केयर ampoule इज अ वेरी गुड, इसका मेन जो की इंग्रीडियंट है वो herbatine है, तो आपका स्किन को वाइटनिंग बहुत अच्छे से देता है. एंड इसमें आपका हर्बटीन भी बहुत अच्छी परसेंटेज में ऐड ऑन है. अगर आप इसको सिर्फ अंडर आई का ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्लाइंट को, तो सिर्फ अंडर आई पे अप्लाई कीजिए. ये ampoules पीलर्स नहीं है, दे आर फिलर्स. तो आप आई के ऊपर भी, आई अंडर आई के नीचे भी, सब जगह इन ampoules को यूज़ कर सकते हैं. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं आएगी, कोई रैशेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा. चाहे वो स्नो केयर है, चाहे वो ट्रबल केयर है, और चाहे वो लिफ्टिंग केयर है. ट्रबल केयर जो है वो ओपन पोर्स, एक्ने, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट आप ऑन द स्पॉट देख सकते हो. ओपन पोर्स में क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि रिजल्ट्स नहीं आते बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑयल. एंड डेफिनेटली घर पर प्रिकॉशन चाहिए, हम लोगों को टॉवल से रब नहीं करनी है स्किन, बट ट्रबल केयर इट इज़ गुड. कनिका जो अभी पेनिट्रेट करा रही हैं स्नो केयर ampoule, वो अल्ट्रासोनिक मशीन से है. अगेन कियाना का ही एक प्रोडक्ट है. इसका रेस नॉर्मली किसी भी नॉर्मल अल्ट्रासोनिक मशीन से 20 टाइम्स हायर है. तो ये आपका ampoule का पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से कराता है. एंड देन वन फंक्शन वी हैव इंफ्रारेड रेस. इफ़ यू हैव एक्ने, ओपन पोर्स, ऑयली स्किन, तो उसमें हम इंफ्रारेड रेस ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं. देन वन इज इन माइनस ऑल्सो. नॉर्मली गैल्वेनिक में माइनस रहता है, इसमें अल्ट्रासोनिक में माइनस ऑप्शन भी है, तो आप क्लीनअप में भी यूज़ कर सकते हैं.
लिफ्टिंग केयर अगर हमें यूज करना है तो हम किन पे यूज करेंगे, जिनको फाइन लाइंस है, एजिंग प्रॉब्लम है। और अगर आपके जो ब्यूटिशियंस हैं इन तीनों में से कोई गलत एम्प्यूल भी चूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, लाइक आई हैव अ वाइटनिंग प्रॉब्लम बट सडनली उन्होंने मुझे लिफ्टिंग केयर दे दिया बिकॉज से शी इज 30+, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज लिफ्टिंग केयर में भी वाइटनिंग का रेशो है बट डेफिनेटली वो रेशो थोड़ा ऊपर नीचे है। अगर हम स्नो केयर की बात करें तो वहाँ शायद 80% वाइटनिंग होगा और 20% लिफ्टिंग केयर होगा, बट लिफ्टिंग केयर में 20% वाइटनिंग होगा और 80% लिफ्टिंग केयर होगा, तो दैट इज द रीजन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम अंडर आई के लिए दे रहे हैं, अगर हम लोग अंडर आई के लिए दे रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ अंडर आई के ऊपर ही लगाना है, क्योंकि अदरवाइज सारी जगह से स्किन कंसील हो जाएगी और फिर आपको वही सेम पैचीनेस देखने के में। हमें सेम मेकअप वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारी स्किन में पैच है तो हम कंसीलर वहीं वहीं लगाएंगे जहां हमारे ब्लैकनेस है या डार्कनेस है या कोई मार्क है। मेकअप में हम कभी भी क्लाइंट की स्किन को फेयर नहीं करते, पर जैसे ही पैच कंसील होते हैं स्किन फेयर लगनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, हम जो स्नो केयर का जो मेन फंक्शन है आपकी स्किन में से मेलानिन को रिड्यूस करना है, तो हमें मेलानिन कहाँ से रिड्यूस करने हैं, जहाँ वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट है, तो हमें उनको स्किन से बैच कराना है। इट विल टेक मिनिमम 5 मिनट्स फॉर मसाजिंग स्नो केयर एम्प्यूल। एनी क्वेश्चन? मशीन क्या? या अल्ट्रासोनिक मशीन इज अवेलेबल एट कियाना काउंटर। या अगर आप इसके बाद भी कुछ देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को फील करना चाहते हैं, तो आप कियाना का स्टॉल विजिट कर सकते हैं नियर रिसेप्शन काउंटर। 5 मिनट्स। अगर कई लोगों को इलेक्ट्रोवेव से प्रॉब्लम भी होती है, यू नो ना, कई लोग अल्ट्रासोनिक यूज नहीं करा सकते या प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो हम उनको अल्ट्रासोनिक्स नहीं दे सकते, तो वहाँ हम अपनी फिंगर्स यूज करके भी मसाज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर क्लाइंट इज नॉट कंफर्टेबल विद इलेक्ट्रो वेव्स तो हमें उसे जबरदस्ती फोर्स करके देनी है, नहीं, नथिंग लाइक इट। ओके, सी अब हम लोग आई के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज अगर हम अंडर आई पे कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते तो वो हमेशा ब्लैंक नजर आते हैं, पूरा फेस अच्छा लगता है और अंडर आई वो एरिया अजीब लगता है। तो आप इसे अंडर आई पे भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं आप, और अंडर आई अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप अंडर आई में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट आपको वो एम्प्यूल पूरे फेस पर नहीं लगाना। डेफिनेटली अंडर आई इज़ नॉट अ थिंग कि हम जो कॉस्मेटिक से क्लीन कर पाएँ, हमें क्लाइंट को साथ में प्रिकॉशंस भी देनी होंगी, घर पे 8 आवर्स स्लीप्स की, जूसेस की, फ्रूट क्या उसकी डाइट्स है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, वे ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ओके ओके, अब हम लोगों ने इसके बाद हम अगर चाहें तो इसके ऊपर क्रीम मसाज कर सकते हैं, बट हम वो स्टेप थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्रीम मसाज का बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो इसके बाद वी आर अप्लाइंग सूदिंग मास्क। सूदिंग मास्क इज वेरी गुड फॉर द रिजुविनेशन, वाइटनिंग एंड रिलैक्सिंग द स्किन, बिकॉज जब भी हम क्रीम की मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई नोट में होता है, और उसके बाद अगर क्लाइंट एकदम से चला जाता है तो उसकी स्किन पे रैशेस होने के चांसेस रहते हैं। सूदिंग मास्क आपकी स्किन को रिलैक्स कर देता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई नोट में था उसको बैलेंस कर देता है, तो दैट इज़ अ वेरी लवली मास्क। और अगर आप मेकअप कर रहे हैं, क्लाइंट की स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं है, इट्स वेरी डिहाइड्रेट और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा प्राइमर लगाऊं, क्योंकि प्राइमर सिर्फ उसके लिए रहेगा लेकिन स्किन का बेस अच्छा नहीं होगा, तो आप सूदिंग मास्क उसको सिर्फ 10 मिनट अप्लाई करके हटा दीजिए, तो यू विल सी अ फ्रेश स्किन। सूदिंग मास्क का जो टाइमिंग है वो 10 मिनट्स है, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करके उसको रिमूव कर देंगे। सूदिंग मास्क का जो मेन कंटेंट है वो है जिनसिंग, तो जिनसिंग इज़ वेरी रिच कि आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल बहुत इंक्रीज करता है, कोलाजन बैलेंस करता है, तो सूदिंग मास्क का दैट इज़ अ मेन फंक्शन। दैट इज़ द रीज़न आई सेड कि अगर आपकी स्किन मेकअप से पहले डिहाइड्रेट है तो आप इस मास्क को 10 मिनट अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। हम लोग जस्ट सिर्फ 1 मिनट छोड़ेंगे, तब तक मीनवाइल आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या क्या यूज़ किया? फर्स्ट वी यूज क्लेंजर, सेकंड वी यूज डबल पीलिंग। डबल पीलिंग का प्रिकॉशन था हमारे लिए, 1 मिनट सिर्फ लीविंग टाइम है हमारे पास टाइम देखकर, और प्लीज़ अपनी ब्यूटिशियंस को इंस्ट्रक्शंस देना कि उसे उस समय क्लाइंट को छोड़कर ना जाए। आपको जो भी वाटर चेंज करना है, 2 बाउल्स रखने हैं, आप अपने साथ पहले रखें, और पील का टाइमिंग ओनली 1 मिनट, मसाज 2 मिनट्स,
एंड देन क्लीनिंग टाइम, देन स्टेम सेल स्किन यानी पोर्स मिनिमाइज एंड न्यूट्रलाइजर. उसके बाद वी नीड टू चूज द एम्प्यूल, हमारी स्किन को कौन सा एम्प्यूल रिक्वायर है. लाइक स्नो केयर, मेलानिन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्नो केयर देंगे. ट्रबल केयर, एक्ने, ओपन पोर्स, सेंसिटिव स्किन. लिफ्टिंग केयर, एजिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है. इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी चूज नहीं करना, एवरीथिंग इज द सेम. चाहे आपकी स्किन कोई भी हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, हमें सब पर एक ही प्रोडक्ट यूज करना है. यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. या वी पुट ऑन आईज, मे बी जल्दी जल्दी आप, हाँ आप आई सिर्फ पीलिंग को छोड़कर आप हर प्रोडक्ट डेली लगा सकते हैं. एंड अगर आप अपने सलोन में लेजर और केमिकल पील्स भी करते हैं तो उनके बाद भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट डबल पीलिंग जेल, बिकॉज इट्स सो 100% बोटानिकल. एंड अगर आपका क्लाइंट, जैसे आई हैव ए क्लाइंट, मान लीजिए उसका मंथ के बाद मैरिज है एंड शी हैज लॉट्स ऑफ पिगमेंटेशन, और यू कैन से शी हैज लॉट्स ऑफ, शी हैज अ डार्क स्किन बट शी वॉन्ट्स लिटिल बिट लाइटनिंग. तो आज आपने अगर उसको ट्रीटमेंट दिया, आप दो दिन बाद उसको वापस कॉल करें, क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया और स्नो केयर एम्प्यूल जो हमने वाइटनिंग के लिए लगाया था फुल फेस पे लगाया, जहाँ जहाँ उसको लाइटनिंग आपको देनी है, एंड लीव फॉर 5 मिनट मसाज करके एंड उसके बाद सूदिंग मास्क लगा के घर भेज दिया. आप विद इन 15 डेज, जब सेकेंड सिटिंग की बारी आती है, उससे पहले आप ये 4-5 सिटिंग दे लेंगे स्नो केयर एम्प्यूल की, यू कैन सी अ ब्यूटिफुल चेंज. लास्ट टाइम आई हैड ए क्लाइंट इन कोटा, और उनकी जो क्लाइंट थी वो डॉक्टर थी, उसकी मैरिज थी बट उस मैरिज से वो पहले उसकी एंगेजमेंट बैंगलोर में थी, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर ने उसको केमिकल पील्स किया और सडनली उसको धूप में जाना पड़ गया. तो इट्स नॉट डॉक्टर फॉल्ट, डेफिनेटली इट्स क्लाइंट फॉल्ट कि वो केमिकल पील्स के बाद सडनली धूप में चला गया तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई. तो और हमारे पास मैरिज के लिए उसका सिर्फ 1.5 मंथ था, तो हम लोगों ने स्नो केयर एम्प्यूल उसको डेली एप्लीकेशन किया 5, 6, 7 तक, क्योंकि उसका उसके बाद उसका एक फियांसी के साथ कुछ कॉकटेल पार्टी थी. एंड उसके बाद हम लोगों ने 2-2 दिन के गैप पे किया. अगर आप 1.5 मंथ पहले की स्किन और 1.5 मंथ बाद की स्किन देखते, यू विल नॉट बिलीव दैट, बिकॉज केमिकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे डेली यूज़ नहीं कर सकते. वो डॉक्टर थी तो वो अगर सिटिंग के लिए नहीं आती थी तो हमने उसे स्नो केयर एम्प्यूल घर के लिए भी दे दिया. या या डेफिनेटली अगर आप सी स्नो केयर सन इज इट्स ओनली फॉर द रिड्यूस द मेलानिन, बट आई नेवर सेड कि यू कैन नॉट, मतलब यू शुड नॉट यूज सनस्क्रीन. या डेफिनेटली, बट सनस्क्रीन इफ यू आर अप्लाइंग ओनली 1 टाइम देयर इज नो फैक्टर. सी ऑलवेज हम लोगों को एक्सक्यूज क्या मिलते हैं, मैंने तो सनस्क्रीन लगाया था ना मॉर्निंग में. इफ यू आर अप्लाइंग इन द 9 o'clock एंड यू आर गोइंग ऑफिस एंड लंच टाइम में आप बाहर लंच के लिए जा रहे हो 2-3 बार, तो देयर इज नो सेंस. 1 टाइम सनस्क्रीन इज यूजलेस. हाँ या यू कैन से नॉन कॉमेडोजेनिक और एपोलॉजिकल, नो मीन्स आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. Allergic. See, you that we can't commit anything. It's always sometimes soothing mask is definitely, yeah. And after laser chemical peel, you can use soothing mask. You want to check? You want to check? Kanika, huh? Okay. Can you come on the counter? I'll show you that. Hydrating. And is it cleansing as well? No, not cleansing. Only soothing. Yeah, or hydration, yeah. Soothing mask ke baad, we will apply stem cell activator. There is a stem cell activator. The stem cell ampoule. Ek ampoule, we can use on 2 persons. There is a marking, half ampoule on 1 person and half is for another person.
राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम, तो हम लोग स्टेज के ऊपर नहीं दिखा सकते. अदरवाइज इफ यू वांट टू शो टू द क्लाइंट, जस्ट अप्लाई ऑन हाफ फेस एंड लीव फॉर 2 मिनट्स एंड उनको मिरर पकड़ा दीजिएगा, देन यू कैन सी एग्जैक्टली चेंज इन द फेस. इसके अंदर ऑलरेडी एम्प्यूल फिलिंग है, हम लोगों को कुछ फिल नहीं करना है. ओके, नहीं हाँ नहीं, पूरे फेस पे लगा दो एक बार में. नाउ वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स व्हाइटनिंग मास्क. इसके बाद इतने कनिका लगा रही है तो वी डोंट हैव टाइम, तो मैं बना रही हूँ. एक पाउच में से आप 2 एप्लीकेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं. या स्टेम सेल एम्प्यूल. आप इसे RO वाटर के साथ यानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ ही मिक्स करेंगे. आप इसका टेम्परेचर बैलेंस कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट वेरी कोल्ड तो आप इसे नॉर्मल वाटर से भी बना सकते हैं. इफ़ यू वांट वेरी कोल्ड तो यू नीड चिल्ड वाटर. या सी, अगर इफ योर क्लाइंट एस्थमा प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर, तो डेफिनेटली ही विल कैन नॉट टॉलरेट सो मच चिल्डनेस, तो देन यू कैन मिक्स विद द नॉर्मल वाटर. इसका या कॉम्प्लेक्स व्हाइटनिंग मास्क. क्लाइंट से एप्लीकेशन से पहले हमेशा पूछ लीजिए आईज पे वो कंफर्टेबल है या नहीं है, लिप्स पर उसको लगवाना है या नहीं है. बिकॉज अगर क्लाइंट एस्थमा का पेशेंट है और उसको अगर हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो शायद आईज पर अप्लाई नहीं कराएगा. और अगर आप किसी को अंडर आई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप उस दौरान क्लाइंट का हैंड होल्ड कर उसके पास बैठेंगे, अदरवाइज वो आपको एप्लीकेशन का परमिशन नहीं देगा. बिकॉज एस्थमा में जैसे ही आइज बंद होती है उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है. ये साइनस का क्लाइंट है तो उसका नोज का प्रॉब्लम रहता है तो उसको लगता है कि नहीं आइज बंद नहीं होनी चाहिए. तो हमेशा इस बारे में क्लाइंट से पहले इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हम आइज पर लगा दें या लिप्स पर लगा दें. लिप्स नॉर्मल कर लीजिए मैम. कनिका जो यूज़ कर रही हैं एप्लीकेशन के लिए दैट इज़ अ ब्रश. ये अगेन सुनील बजाज का एक डिज़ाइनर ब्रश है. इससे आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली लगा सकते हैं, ब्लीच लगा सकते हैं, बालों में कलरिंग कर सकते हैं. इसका हमारे पास बड़ा भी आता है जिससे आप बॉडी मास्क लगा सकते हैं, बालों में कलर रिबॉन्डिंग, और उसके अलावा हेयर स्पा भी कर सकते हैं इससे. ये आपका मोर देन 20% प्रोडक्ट सेव करता है. इट्स मेड ऑफ सिलिकॉन, इट्स नॉट रबर, इट्स मेड ऑफ सिलिकॉन जो प्रोडक्ट को अच्छे से पुल करता है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, क्लीनिंग के लिए बहुत ईजी है. ब्रिसल्स नहीं है तो उसके अंदर फंसता नहीं है. इसके अलावा जो कनिका ने फेशियल ट्रे यूज़ की या स्पैचुला, फेस पैक ब्रश, दे ऑल आर फ्रॉम सुनील बजाज. अभी तक हम हैंड से लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, इससे आप बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर सकते हो. इसके अलावा कियाना का वी हैव अ स्पा प्रोडक्ट्स आल्सो, आप उसके लिए स्टॉल पे विजिट्स कर सकते हैं. वी हैव लेमन, वी हैव रेड ग्रेप फ्रूट, वन इज ग्रीन टी. आप उसे बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं, मैनिक्योर में भी यूज़ कर सकते हैं, पेडिक्योर में भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी स्लीपर मार्क्स, टैनिंग, डिस्कलरेशन,
और आपको फीट्स में अगर लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है, रिलैक्सिंग चाहिए, सॉक्स का स्मेल आता है, तो ये सब आपका प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करते हैं। एंड दिस ईयर हम लोगों ने बेस्ट स्पा प्रोडक्ट्स अवार्ड भी जीता है एशिया स्पा की तरफ से, जियो स्पा। तो इट विल टेक मिनिमम 5 मिनट टू सेट देयर, मतलब 10 मिनट्स हमें क्लाइंट के ऊपर रखना है ज़रूर, 15 मिनट आप रख सकते हैं अगर आपको कोई साथ में काम निपटाना हो तो। जनरली जैसे हम करते हैं कि हम दूसरे काम के लिए चले जाते हैं और उनको हम कहते हैं अच्छा 15 मिनट लगेंगे इस मास्क में। मुझे आज भी याद है मेरे को एक जगह मेकअप था मेरा एंड इट्स 2 ईयर बैक और मैं थोड़ा लेट गई थी अपने अपॉइंटमेंट से। अब सैलॉन ओनर शी हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मी, तो शी सेड पूजा व्हाट आई विल डू, अभी तो मेरी ब्राइड है, सर डोंट वरी। मैंने कहा ओके आई विल मैनेज, शी सेड नो जस्ट स्टॉप, उसको उसने लास्ट ग्लू लगाया एंड जस्ट डोंट ओपन योर आईज टिल 20 मिनट्स, इट विल टेक टाइम। आई सेड व्हाट, लड़की तुम बैठो मुझे तुम्हारा मेकअप करना है। तो दैट इज़ द रीज़न आई सेड अगर आप 15 मिनट भी रख सकते हैं मीन वाइल अगर आपको किसी और का ब्लीच करना है, बट नॉट अबाउट 15 मिनट इज एनाफ। ओके, हम लोगों को अपना टाइम यूटिलाइज जरूर करना है ना, 10 मिनट्स बचने नहीं चाहिए हमारे। नीचे से आओ, जस्ट 2 मिनट्स। एनी अदर क्वेश्चन? या फर्स्ट क्लेंजिंग, पीलिंग, टोनिंग, या वी नीड टू चूज एम्प्यूल्स। देन उसके बाद इफ यू आर डूइंग प्रॉपर ट्रीटमेंट तो क्रीम मसाज, वी हैव अ कोएंजाइम Q10 मसाज क्रीम, देन आप उससे मसाज करेंगे। उस मसाज क्रीम में आपको वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले जब आप मसाज करना शुरू करते हैं वो सिरम में कन्वर्ट होती है। उस क्रीम का एक मतलब पॉइंट हमेशा याद रखना कि जैसे ही वो क्रीम ऑयल मसाज जब आप शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्टेज उसका सिरम में कन्वर्ट होने का है, पर जैसे ही वो ऑयल में कन्वर्ट होगी थर्ड स्टेप, तो आपको क्रीम और लेनी है। अगर आपने उसी ऑयल पे मसाज करते रहे, बिकॉज आप लोगों को लगेगा कि मेरे हाथ तो बहुत अच्छे मूव कर रहे हैं एंड नाउ आई कैन मसाज, मैं क्यों और भटक लूँ। पर ऑयल इज़ अ स्टेज जहाँ क्रीम एंड हो गई है, जहाँ आपने ऑयल पे मसाज करनी शुरू करी आपकी स्किन हीट जनरेट करना शुरू करेगी एंड मे बी यू विल गेट द पिंपल्स ऑन यू, वेरी सिंपल। एंड एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को मसाज में या फेशियल के दौरान स्किन से हीट निकलती है, हम उन्हें कभी भी मसाज नहीं करेंगे, चाहे आपको क्लाइंट को किसी भी तरह कन्विंस करना हो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जब आप लोग बीमार होते हो तो क्या आप एक्सरसाइज करते हो? क्यों? वेरी सिंपल, अगर स्किन हीट छोड़ रही है, वो कह रही है कि आई एम नॉट हेल्दी। अगर आप मुझे मसाज कराओगे तो डेफिनेटली आपको स्किन इरप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप प्लीज़ जब ये एक्सक्यूज मेरे पास आता है कि पूजा मैं अपने क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर सकती, यू आर नॉट अ क्लाइंट, यू आर नॉट एक्सपर्ट। उनका क्लाइंट नहीं है एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी स्किन को आपके ऊपर छोड़ा है, तो यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू गाइड देम कि मैम आपकी स्किन अभी बीमार है, शी इज़ नॉट वेल, वी हैव टू वेट। 2-3 सिटिंग के बाद जब आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट दे रहे हो या और कोई हेल्दी ट्रीटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो, जब स्किन का एक रेगुलर प्रोसेस ऑन होता है तो वो उसके बाद ओके हो जाती है, देन यू कैन डू द मसाज। और अगर उनको लगता है कि आप अपनी क्रीम बचा रहे हो तो प्लीज़ उनको बोलना मैं इस मसाज के अगेंस्ट आपको बैक मसाज दे दूंगी या आर्म्स मसाज दे दूंगी, तो दे विल बी सेटिस्फाई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि मैंने अगर आपको 2000 पे किया या 2500 पे किया है तो आई नीड अ फुल अमाउंट। ओके, तो उसके बदले में हम लोग क्लाइंट को इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, बट हम स्किन के ऊपर मसाज नहीं करेंगे। सेट हुआ क्या? हाँ, या अल्ट्रासोनिक स्नो केयर एम्प्यूल, या वन इज स्नो केयर एंड वन इज स्टेम सेल एम्प्यूल। इन दिस ट्रीटमेंट हाइड्रेशन, तो एक अर्चना जी के लिए क्लैपिंग जोर से होनी चाहिए, इन्होंने मेरा थैंक्स दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लाइंट, ही हैज अ प्रॉब्लम ऑफ रिजुवेनेशन, स्नो केयर एंड सेकेंड वन इज अ स्टेम सेल एम्प्यूल। या स्नो केयर इज फॉर द वाइटनिंग, या एंड उसकी जगह हम लिफ्टिंग केयर यूज़ कर सकते थे अगर मेरा क्लाइंट एजिंग स्किन में होता, और इफ़ आई कैन यूज इफ आई हैव एक्ने स्किन और ओपन पोर्स आई कैन यूज ट्रबल केयर, बट स्टेम सेल यू शुड यूज ऑन एवरी स्किन, बिकॉज उसका मेन फंक्शन आपकी स्किन में स्टेम सेल को रीजनरेट करना है।
इट्स नॉट सी कोई भी कंपनी के नॉट बी श्योर वेरी 100% कि वो आपकी स्किन में 100% स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने में सक्सेस होगा, बट इट माइट बी, और अदरवाइज इट विल डेफिनेटली फिल कोलेजन इनटू योर स्किन एंड एलास्टिन इन योर स्किन. तो डेफिनेटली दैट इज द रीजन यू सेड यू आप यंगर होते जाते हो डे बाय डे अगर आप इसके ट्रीटमेंट्स ले रहे हो एंड साथ में फॉलो अप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. मुझे थोड़ा जल्दी उतारना पड़ेगा, वी डोंट हैव टाइम, बट अदरवाइज सेट नहीं हुआ. या नहीं, दिस मास्क यू कैन अप्लाई ऑन ऑलवेज ऑन लिप्स, बिकॉज लिप्स का भी डिहाइड्रेशन बहुत रहता है. अगर लिप्स आपके ड्राई हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड, आपके स्किन के लिप्स को मॉइस्चर भी दे देता है और स्किन का जो एक्सफोलिएशन है वो भी हो जाता है लिप्स का. या आप आई पे भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. या बट क्लाइंट शुड बी कम्फर्टेबल, उसको कोई एस्थमा का या साइनस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिससे उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम ना हो. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? हमने थोड़ा गीला मास्क उतारा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, कॉलिंग्स आ रही हैं, अदरवाइज ये मास्क बहुत अच्छे से पील होकर उतर जाता है. आई नीड मिनिमम 10 मिनट्स मोर बिकॉज 5 मिनट्स ही हुए हैं, तो 5 मिनट्स मुझे मोर चाहिए था, दैट इज द रीजन ये बचा हुआ है. और आपको स्पॉन्ज लगाने का रिक्वायरमेंट दोबारा नहीं होता क्योंकि वो एकदम से क्लीन हो जाता है. इस फुल ट्रीटमेंट में आपको करीब करीब 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं क्लाइंट के लिए, और ये फुल ट्रीटमेंट आपको कॉस्ट करता है 400 रुपीज. अगर आपको सिर्फ ग्लो फेशियल करना है यानी क्लेंजिंग, पीलिंग, टोनिंग, क्रीम मसाज, मास्क एंड सिरम, तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 124 रुपीज. दैट्स इट. या जब तक आपका एम्प्यूल पेनेट्रेट नहीं होता, और 5-6 मिनट करके उसी के ऊपर क्रीम लगानी है आपको, तो उससे ज्यादा पेनेट्रेट होता. बट डोंट मिक्स विद द क्रीम. समटाइम्स हम लोग टाइम बचाने के लिए क्रीम के साथ मिक्स कर देते हैं. डोंट डू दैट. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, स्टेम सेल सीरम. जो भी एक बार यूज करता है, प्रॉमिस यू, अगर आपने अपने घर में कहीं भी रखा तो आपके रिलेटिव्स आपको जीने नहीं देंगे. लिटरली दिस इज अ ब्यूटिफुल सीरम. इट्स अ वाटर बेस्ड सीरम, but it's very good in hydration. But if you will apply only once na, you will be addicted to the serum. And it's a very good primer also. Makeup karne se pehle aap use kar sakte hain, because what is a primer? It's a hydration lotion. So this is a very good water base hai. Aap instant lift dekh sakte ho serum se. So this is a nice product. Evening, morning aap use kar sakte hain. Yeah, it is for whole type of skin. Whether it is oily, whether it is dry, just feel that. Anybody want to feel?